स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज में। तो रायपुर से एक बड़ी वारदात सामने आई है। पत्नी की जान लेने चला पति, बेटी की आंखों के सामने मां के पेट में 4 बार घुसाया चाकू, आंते तक बाहर आ गई। गिरफ्तार। रायपुर में एक पति के सिर पर इस कदर गुस्सा सवार हुआ किया उसने अपने पत्नी की जान लेने की कोशिश की। संकी पति ने किचन में रखा चाकू उठाया और एक के बाद एक 4 बार चाकू महिला के पेट में घोंपा। महिला चीखती रही। घर पर उसकी बेटी भी अपनी आंखों से सब कुछ देख रही थी। वो भी पिता की सनक देखकर डर गई थी। घबराई लड़की ने अपनी मौसी को फोन पर ये बात बताई। पत्नी को अधमरी हालत में छोड़कर आरोपी भाग निकला। जब लड़की की मौसी और परिजन घर आए तो महिला को अंबेडकर अस्पताल लेकर गए। 12 दिसंबर की शाम हुई इस घटना में अब पुलिस ने हमलावर पति को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया है। पैसों को लेकर हुआ जानलेवा झगड़ा। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ये घटना डीडी नगर इलाके की है। चंगोरा भाठा के श्रीराम नगर में रिंकी देवांगन अपनी बेटी और पति मनीष पुरी के साथ रह रही थी। मनीष और रिंकी के बीच 12 दिसंबर की शाम कुछ रुपयों की बात को लेकर झगड़ा हुआ। इससे पहले भी मनीष रिंकी को पीटा करता था, मगर रविवार की शाम इन दोनों के बीच हुए विवाद ने भयानक रूप ले लिया। रिंकी की जली कटी बातें सुनकर मनीष अपने गुस्से को रोक न सका और उसे चाकू मार दिया। रिंकी की बहन ने बताया कि कुछ साल पहले दोनों ने लव मैरिज की थी, तब से रिंकी मनीष के साथ ही रह रही थी। रिंकी की बेटी ने फोन पर अपनी मौसी को रोते हुए सारी बात बताई थी। अब हालात ये हैं कि इस हमले में रिंकी के पेट से चाकू के हमले की वजह से अंतड़ियां बाहर आ गई हैं। अंबेडकर अस्पताल में उसका इलाज जारी है। दूसरी तरफ पुलिस महिला के पति से इस कांड को लेकर पूछताछ कर रही है।